हेलो जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। पंजाबी डिश चैनल में तुहाडा स्वागत है जी। अज आपां बनाउण जा रहे हैं औले दा मुरब्बा, जो कि बड़े ही सौखे ढंग नाल बन जांदा आ, बड़ा ही टेस्टी बनदा आ। घर विच आपां इहनूं बना सकदे हां। ते इहदे वास्ते की समान आपां नूं चाहिए उह आपां देख लैंदे हां। ते तुसीं भी घर विच औले दा मुरब्बा बनाओ जी। इहदे लई बहुता टाइम नहीं लगदा हैगा ते बहुता समान भी नहीं आपां नूं चाहीदा। बाजार दी तरह इह बण के तैयार हो जांदा आ। तो बाजारों आप लियाने तो काफ़ी महंगा आपां नूं मिलदा, इस करके घर तुसीं बना के तैयार करो जी। इह मैं 1 किलो औले लाए जी, साफ सुथरे होण औले, ज़्यादा दाग ही ना होण। इहनां नूं मैं धो लिया सी, धो के सुका लाए औले, मैं साफ कर लिया चंगी तरह। तो हुण इहनां दे विच आपां शेक कर लवांगे, शेक आपां कर लवांगे तां कि जिहड़ी चाशनी इहनां दे अंदर तक रच जावे। पूरे औलियां दे विच आपां शेक कर लवांगे। शेक तुसीं ध्यान दे नाल करने, जरा हाथ विच ना लग जावे। इस करके तुसीं जिहड़े औले आ इहनां पूरियां दे विच शेक करके तां आपां इहनां नूं फिर उबाल लवांगे। उबाल गए तां फिर आपां इहनां दी चाशनी तैयार करांगे जी। ते इह बहुत ही सौखे ढंग नाल तैयार हो जांदे आ। अगर तुहानूं साडी वीडियो वधिया लगदी हुंदी है तां प्लीज़ प्लीज़ इहनूं लाइक शेयर कमेंट करिया करो, सबसक्राइब करिया करो जी, शेयर करिया करो अगे तो अगे। ते आ लो जी, आपां पूरे औलियां दे विच शेक कर लए आ। तो पानी आपां गैस दे उत्ते रख दिता आ, पानी अपना जिहड़ा गर्म हुंदा आ। तो फिर आपां इहनां सारे औलियां नूं उहदे विच पा लवांगे। पा के इहनां नूं आपां 2-3 कवालियां दवावांगे। तो लो जी, पानी अपना जिहड़ा रिझदा आ, आपां इहदे विच सारे औले पा दिंदे आ। पा के 2-3 इहनां नूं उबालियां दवाने आ। दवा के फिर इहनां नूं कढ लवांगे तां कि बाद च फिर आपां चाशनी विच वी पकाउणे आ। इह जिहड़े नवें व्यूअर जुड़दे आ जी, प्लीज़ साढ़े चैनल नूं सबसक्राइब करिया करो, बैल वाला बटन जरूर दबाया करो जी। तो साड़ी जिहड़ी आउण वाली हर एक वीडियो तुहाडे तक उह पहुँचे। तो साड़ी वीडियो वधिया लगदी हुंदी आ तां इहनूं अगे तो अगे शेयर करिया करो जी, कमेंट करिया करो। लो जी, अपने औले जिहड़े आ इह अद्धे क पक चुके आ, 50% जिहड़े औले अपने पक गए, कलर इहनां दा चेंज हो गया आ। इहनां नूं आपां कढ लैने आ ते फिर आपां इहदी चाशनी तैयार करदे आं जी। ते आ देखो जी, आपां औले कढ लैणे हुण। आपां इहदी चाशनी तैयार करके फिर आपां इहनां नूं उहदे विच उबालांगे। ते हांजी, अगर तुसीं सानूं सपोर्ट करोगे जी तां ही साडा हौसला अगे वधूगा, तां ही असीं अगे तो अगे होर वीडियो पा सकदे हां जी। ते प्लीज़ सानूं तुहाडी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत आ जी, चैनल नूं सपोर्ट करो। इधर आपां चाशनी जिहड़ी तैयार करदे आ, अद्धा गिलास मैं पानी दा पाया जी। 1 किलो अपने औले सी, 1 किलो मैं चीनी लई आ, 1 किलो ही खंड जिहड़ी आपां बस इहनूं आपां खोरन वास्ते ही पानी लिया आ। ते आ लो जी, खंड दा भी पानी बन जाणा ते चाशनी जिहड़ी अपनी ते वधिया तैयार हो जाणी आ। खंड नूं आपां जद तक खुरदी नहीं उद तक आपां इहनूं हिलाई जाने तां कि थल्ले ना जम जावे इह। जदों अपनी खंड ऐन खुर गई तां उदों आपां इहदे विच औले जिहड़े आपां कढ के रखे आ उहनां नूं आपां पा लवांगे। दे लो जी, अपनी चाशनी जिहड़ी खंड अपनी खुर गई आ। तो हुण आपां जिहड़े औले कढ के रखे इहनां नूं सारिआं नूं इहदे विच पा देवांगे। पा के फिर आपां इहनूं उबालांगे जी चंगी तरह, तां कि जिहड़ी चाशनी आ साडी औलियां दे विच चंगी तरह रच जावे। ते आ लो जी, बड़े सौखे ढंग दे नाल बण जांदा आ इह आपणा मुरब्बा जिहड़ा आ। ते इह खाण लई बहुत वधिया आ, काफ़ी इह आपां नूं काफ़ी चीज़ां तों आराम दिंदा आ। अक्खां लई भी बहुत लाभकारी आ इह, बालां लई भी लाभकारी आ, हाजमे लई भी बहुत वधिया आ, पेट दीआं कई बीमारियां इह ठीक करदा आ। ते इस करके औला किसी भी रूप में तुसीं खा लो, इहदा अचार बना लो, मुरब्बा बना लो, चटनी बना लो, टॉफियां बना लो, जिद्दां मर्जी इहनूं खा लो। औला खाणा सेहत लई बहुत ही वधिया हुंदा आ। ते लो जी, आपां पूरे जिहड़े औले आ उह पा दित्ते आ चाशनी दे विच। ते हुण इहनूं आपां रिन्हदे आ चंगी तरह, जदों तक अपनी जिहड़ी चाशनी आ उह शहद दी तरह बण ना जावे। जिद्दां शायद अपने चिंबड़ दा हाथ दे उत्ते ना आपां चाशनी उद्दां दी तैयार करनी आ। ते आ लो जी, काफ़ी जिहड़ी चाशनी अपनी इहनां दे विच रच गई आ। देख लो इहनां दा कलर जिहड़ा चेंज हो ही जांदा आ, तां जदों खंड इहदे विच खुरदी रचदी आ ना उदों इहदा कलर जिहड़ा चेंज हुंदा आ। ते आ देख लो जी, आपां चाशनी नूं थोड़ा जिहा चैक भी करांगे वे जिद्दां दी आपां नूं चाहीदी आ उद्दां दी बण गई आ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਵਾ ਚਾਸ਼ਣੀ ਆ ਪੂਰੀ ਔਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਰਚ ਜਾਵੇ।
ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਲਓ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮਦੀ ਆ ਚਾਸ਼ਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਨ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚੇ ਜੰਮ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਹੋ ਆ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਆ ਲਓ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਚਮਚ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਿਆ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਰਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚੇ ਚਾਸ਼ਣੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣਾ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਡੋਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਰੱਬਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜੂਸੀ ਔਲੇ ਬਣੇ ਆਪਣੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।